दोस्तों यदि आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के लिए एक अच्छा एंटीवायरस खरीदना चाहते हो तो softtesthaven.com वेबसाइट से खरीद सकते हो। दोस्तों यह कंपनी भारत में अदर्स कंपनियों से काफी सस्ते एंटीवायरस बेच रही है। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ओपन कर सकते हो। और दोस्तों यदि आप एंटीवायरस बाय करने से पहले आप हमारे लाइव स्टार प्रोमो कोड को अप्लाई करते हो तो आपको 10% कैशबैक भी मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए दोस्तों आप कंपनी को मेल भी कर सकते हो, यहाँ पर आपको कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया गया होगा, आप कॉल भी कर सकते हो और उसके बाद में व्हाट्सएप पर चैट भी कर सकते हो। दोस्तों यदि आपने यूपी स्कॉलरशिप 2018-19 का फॉर्म भरा है और दोस्तों अभी तक आपका स्टेटस पेंडिंग में है और दोस्तों लास्ट डेट जो थी डाटा लॉक होने की वो 17 जनवरी थी, तो देखिए दोस्तों आज 18 जनवरी हो चुकी है और दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंटों का अभी भी पेंडिंग में है। दोस्तों मैं इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। और दोस्तों मैं संतोष प्रजापति जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि उन्होंने UPTLET सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के स्टेटस वेरीफाई हो रहे हैं, यह जानकारी उन्होंने हमें दी। थैंक यू सो मच संतोष प्रजापति जी। तो देखिए दोस्तों ये जो प्रॉब्लम आ रही है सबसे ज़्यादा UPTLET सेकंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंटों के लिए आ रही है कि अभी तक उनका वेरीफाई नहीं हुआ है और पेंडिंग में है। तो UPTLET सेमेस्टर करने वाले स्टूडेंटों के लिए खुशखबरी है कि वेरीफाई होने लगी है स्टेटस। मैं इस वीडियो में आपको प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ और दोस्तों मैं आपको सभी स्टूडेंटों को बताऊंगा कि आपका वेरीफाई होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों मेरा नाम है आरिफ और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक्निकल लाइव स्टार। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये जो स्टेटस है ये किसी UPTLET सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट का है। तो देखिए दोस्तों इनका वेरीफाई हो चुका है और देखिए इनका 15 जनवरी को वेरीफाई हो गया था और देखिए ये लिखा है रिमार्क ऑफ DWO पास। और दोस्तों मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि रिमार्क ऑफ DW है तो क्या करें। देखिए दोस्तों यदि आपका रिमार्क ऑफ DW है तो देखिए आपका सस्पेक्ट भी है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है यदि आपका वेरीफाई हो गया हो और रिमार्क ऑफ DWO आ रहा हो और आपका सस्पेक्ट भी है, फिर भी मत घबराइए। तो आपको मैं दो और स्टेटस दिखाने वाला हूँ UPTLET सेकेंड सेमेस्टर की। तो देखिए दोस्तों ये रहा एक और स्टेटस, ये भी UPTLET सेकंड सेमेस्टर। तो देखिए दोस्तों ये रहा दूसरा स्टेटस और ये भी UPTLET सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थी का स्टेटस है। और देखिए दोस्तों इनका 17 जनवरी को वेरीफाई हुआ है, मैं भी लिखा है रिमार्क ऑफ DWO पॉजिटिव। तो इस तरीके का आपका लिख रहा है तो आपकी स्कॉलरशिप जरूर आएगी, बिल्कुल भी मत घबराइए। यदि आपके पास मैसेज भी नहीं आया है तो फिर भी मत घबराइए यार, मैसेज इतना जरूरी नहीं होता है। यदि आपका वेरीफाई दिखा रहा है तो साइट पर तो बहुत ही अच्छी बात है, और दोस्तों यदि आपको पेंडिंग दिखा रहा है और तो मैसेज आ गया है तो फिर भी मत घबराइए क्योंकि आपका वेरीफाई हो गया है, अभी स्टेटस अपडेट नहीं हुआ है यदि आपके पास मैसेज आ गया है तो। चलिए मैं आपको एक और स्टेटस दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों ये तीसरा स्टेटस है, ये अलग स्टेटस है। तो देखिए दोस्तों इनका सेम रीजन है, एनरोलमेंट रोल नंबर नॉट मैच्ड विद यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा। और देखिए वेरीफाई रिकमेंडेड, तो इनका वेरीफाई हो चुका है और इनका सस्पेक्ट है और रिमार्क ऑफ DW है। ये भी UPTLET सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं, इनका भी वेरीफाई हो चुका है। अब दोस्तों बात करते हैं कि 18 जनवरी आ गई है तो अभी भी आपका पेंडिंग में है तो आप क्या करें। तो देखिए यदि आपका अभी भी पेंडिंग में है तो आप बिल्कुल भी मत घबराइए, ऐसा हो सकता है क्या पता आपका पहले वेरीफाई हो गया हो और आपके पास मैसेज भी नहीं आया हो और आपका साइट पर पेंडिंग दिखा रहा हो, आपका वेरीफाई हो गया हो, ऐसा हो सकता है। दोस्तों ये जो मैंने आपको स्टेटस दिखाई है, एक जो था 15 जनवरी को वेरीफाई हुआ था लेकिन उनका जो स्टेटस शो हुआ था वेबसाइट पर वो हुआ था 17 जनवरी को। अब आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो देखिए यदि आपका पेंडिंग में है तो घबराइए मत, कल और परसों तक और इंतजार कीजिए, आपका वेरीफाई हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। यूपी स्कॉलरशिप के द्वारा सभी के फॉर्म लॉक कर दिए गए हैं, जिनका रिजेक्ट है रिजेक्ट कर दिया गया है और जिनका पास है पास कर दिया गया है। तो मुझे इस वीडियो में आपको यही समझाना था। आपको वीडियो कैसी लगी, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक शेयर भी कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नहीं तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखें, टेक केयर।